हेलो फ्रेंड, पूजा किचन में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं रोल। रोल हम डिफरेंट टाइप से बनाएंगे। तो आपने बहुत तरह के रोल खाए होंगे, भेज रोल खाया होगा, पनीर रोल खाया होगा, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं मैगी रोल। तो इसे हम नए तरीके से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पर लिए बड़ा सा बाउल, इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा, 1 छोटी चम्मच अजवाइन ली हूँ मैं यहाँ पे, नमक स्वाद अनुसार लेंगे, 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल लेंगे हम। मैदा को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये देख सकते हैं मैदे को अच्छी तरह से मैं गूंथ ली हूँ। अब इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। यहाँ पे मैं मैगी यूज़ कर रही हूँ, मसाला मैगी यूज़ कर रही हूँ। मसाला का पैकेट साइड कर दूंगी मैं। मैगी को हाथों से मैं तोड़ लूँगी। ये देख सकते हैं मैगी को हाथों से मैं तोड़ ली हूँ। अब इसे मैं उबालूँगी। मैगी को उबालने के लिए हम यहाँ पे पैन यूज़ कर रहे हैं। पैन में हम 1 कप पानी डाल दिए हैं। अब हम गैस को कर देंगे ऑन, पानी में उबाल आने देंगे। देख सकते हैं पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें हम डाल देंगे मैगी। बहुत ज़्यादा हमें नहीं उबालना है, 50% ही हम उबालेंगे मैगी को। बिल्कुल ड्राई रखना है हमें। देखिए फ्रेंड, मैगी अच्छी तरह से उबल गया है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ। अब इसे ठंडा होने देंगे हम। यहाँ पे मैं बाउल यूज़ कर रही हूँ। बाउल में हम डालेंगे, यहाँ पे मैं 4 उबले हुए आलू ली हूँ, इसमें हम डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे हम। देख सकते हैं आलू को अच्छी तरह से मैश कर ली हूँ मैं। अब इसमें हम डालेंगे मैगी। मैगी ठंडा हो गया है तो इसमें डालेंगे। यहाँ पे हम प्याज डालेंगे, स्मॉल साइज़ की। यहाँ पे मैं प्याज यूज़ कर रही हूँ जिसे मैं बारीक काट ली हूँ। इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। यहाँ पे हम मैगी मसाला डालेंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देख सकते हैं इसे अच्छी तरह से मैं मिला ली हूँ। इसे साइड कर देंगे। अब हम बनाने की तैयारी करेंगे। 15 मिनट हो गया है और मैदा अच्छी तरह से सेट हो गया है। देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। अब हम बनाएंगे, हाथों से अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे हम। अच्छी तरह से मिला ली हूँ। हाथों से छोटी छोटी लोई बनाएंगे इसे इस तरीके से। अब हम बेलने की तैयारी करेंगे। लंबे साइज करूँगी मैं इसे। अब इसके ऊपर स्टफ डालेंगे हम जो मैंने बनाया था। इसे चारों तरफ फैला देंगे हम। ये देखिए चारों तरफ मैं स्टफ फैला दी हूँ। अब इसे हम रोल करेंगे इस तरह से। ये देखिए रोल कर ली हूँ मैं इस तरह से। अब चाकू से हम काटेंगे इसे। इसी तरह से मैं और सारे बना लूंगी। ये देख सकते हैं सारा रोल बना ली हूँ मैं।
मैदे का घोल तैयार करने के लिए यहाँ पे मैं ली हूँ 4 से 5 चम्मच मैदा, और इसमें हम डालेंगे नमक। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, इसे मिला लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम पानी डालेंगे, देख सकते हैं घोल तैयार हो गया अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे पैन यूज़ कर रही हूँ, पैन में हम डालेंगे तेल लगभग 2 कप। तेल को गर्म होने देंगे हम, तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे रोल को इस तरीके से, गैस को कर देंगे लो। ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करना है। फ्रेंड अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, मैगी रोल रेसिपी बहुत ही यम्मी लगती है खाने में। ब्राउन हो गया है, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड मैगी रोल रेसिपी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियो को देख के इंजॉय करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।